नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। सागर संभाग से पूरे बुंदेलखंड सहित देश विदेश की ताजा तरीन खबरें और उनके पीछे का सच पूरी सटीकता एवं निडरता के साथ देखने के लिए इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं ब्रेकिंग न्यूज। नमस्कार, सागर में डॉक्टर ने लैब टेक्नीशियन को पीटा है। फ्री ब्लड नहीं देने की बात पर यह विवाद हुआ था और गुस्सा डॉक्टर ने लैब टेक्नीशियन से गाली गलौज कर मारपीट की है, जिसका सीसीटीवी कैमरा में जो रिकॉर्डिंग हुई है वो भी सामने आई है। जी हाँ, दरअसल सागर जिला अस्पताल में फ्री ब्लड की बात को लेकर डॉक्टर ने ब्लड बैंक के लैब टेक्नीशियन के साथ मारपीट कर दी। बुधवार को मामला सामने आया तो अस्पताल में हंगामा शुरू हो गया और लैब स्टाफ ने काम बंद कर दिया। विरोध में सिविल सर्जन से शिकायत की गई और डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। लैब टेक्नीशियन पंकज कुष्टी ने बताया कि मंगलवार रात करीब 2:20 पर मरीज को डॉक्टर अजय यादव ने फ्री ब्लड के लिए भेजा, लेकिन उक्त मरीज को पहले भी फ्री ब्लड दिया जा चुका था। ब्लड बैंक में नियम है कि इमरजेंसी में एक बार फ्री ब्लड दिया जाता है, दूसरी बार जरूरत पड़ने पर लैब इंचार्ज से अनुमति लेना होती है। इसलिए रात में फ्री ब्लड लेने आए मरीज को बोला कि लैब इंचार्ज से अनुमति ले लो। अटेंडर सतीश पटेल ने जाकर डॉक्टर अजय को बताया है कि उन्होंने उसके साथ भी मारपीट की है और कुछ देर बाद भी लैब में आ गए। आते ही उन्होंने गाली गलौज शुरू कर दी, मना किया तो मारपीट करने लगे। मारपीट की पूरी घटना लैब की गैलरी में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो चुकी है, जो कि आप देख सकते हैं। घटनाक्रम सामने आते ही बुधवार को अस्पताल में स्टाफ के लोगों ने विरोध शुरू कर दिया और सिविल सर्जन को शिकायत की और कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा है कि डॉक्टर को अस्पताल से निकाला जाए और प्रकरण दर्ज कराया जाए। सिविल सर्जन डॉक्टर ज्योति चौहान ने बताया कि मामले की शिकायत मिली है, जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम गठित की गई है। टीम दोनों पक्षों के बयान ले रही है और जांच के आधार पर दोषियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सागर टाइम्स न्यूज़।